करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैलेंसी। असल में ये आपके चैप्टर में तो नहीं लिखा हुआ, वो आगे जाके किसी चैप्टर में आएगा, लेकिन मुझे केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस पढ़ानी है, तो उसके लिए पहले आपको फार्मूले पढ़ाना ज़रूरी है। तो मैं ये बीच के अंदर एक टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद आप फार्मूले बनाना सीखेंगे, और जब आप फार्मूले सीख जाएंगे तो फिर हम इक्वेशन आसानी से हमारी समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है? देखिए, काम करने के दौरान साइंटिस्ट ने जब मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मुताला किया, ठीक है, तो पता चला कि हर एटम अकेला नहीं रहता, आज़ाद नहीं रहता, वो किसी दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक एटम की हालत में अकेला, वो फौरन किसी दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड क्या चीज़ ऐसी है जो उसे दूसरे के साथ मिलने पर आमादा करती है? ये सवाल है। अट्रैक्शन है, कशिश है? तो बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो सब लोगों ने नोट की वो ये है कि हर एटम ये चाहता है कि उसका जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। सही है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अच्छा, ये पूरे जो हो जाएं इसकी तादाद है या दो हो जाएं या आठ हो जाएं? पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं? आठ होते हैं। तीसरे ऑर्बिट में 18 होते हैं। सही, तो हर एटम ये चाह रहा होता है कि उसका जो आखिरी ऑर्बिट है वो पूरा हो जाए। ऐसा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या वो इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपके पास है सोडियम का एटम, सोडियम के एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास। तो पहले ऑर्बिट में उसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, इसमें 11 प्रोटॉन बंद हैं और न्यूट्रॉन भी हैं कुछ। पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने टोटल हो गए? 10। अब कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है तीसरे ऑर्बिट में। ठीक है, ये आपके पास सोडियम का एटम है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक एटम और मैं आपको मिसाल के लिए यहाँ पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। 17 में से ये तो प्रोटॉन बंद है न्यूक्लियस में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी होंगे ना 10 3 4 5 6 और ये 7। अब हम मिसाल के तौर पर हमने ये दो एटम चूज किए अपने लिए, एक सोडियम और एक क्लोरीन या क्लोराइड। ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उनकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से वो फैले हुए हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह फैले हुए हैं। अब इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ये चाहता है कि इसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 7। ये चाहता है कि इसके आखिरी ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसको अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। एक तो ये है मेथड। दूसरा मेथड ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन भी दे दे और इस ऑर्बिट को भूल जाए और इसको अपना आखिरी ऑर्बिट मान ले। सही है, दो ऑप्शन है इसके पास, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे और अपने दूसरे ऑर्बिट को आखिरी ऑर्बिट मान ले। इसके पास भी ये ऑप्शन है कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन भी खारिज कर दे और खारिज करके इस आखिरी ऑर्बिट को अपना, दूसरे ऑर्बिट को अपना आखिरी ऑर्बिट मान ले। ठीक है, तो जब इन दोनों को आप करीब लाते हैं, सोडियम को और क्लोराइड को या क्लोरीन को, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इस ऑर्बिट को भूल जाता है और इसको अपना आखिरी ऑर्बिट मान लेता है। इस तरह से इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं?
आठ, और उसके भी आखिरी ऑर्बिट में कितने हो जाते हैं, आठ, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल का मतलब अब ये किसी दूसरे से तामुल नहीं। तो हमने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है, और उसकी तादाद क्या है, वो चाहता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ज़्यादातर हमने कंपाउंड के अंदर स्टडी में ये देखा है कि ज़्यादातर एटम ये चाहते हैं कि उनके आखिरी ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे ही उसके आखिरी ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो एटम स्टेबिलिटी के लिए या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या इलेक्ट्रॉन जस्ब करता है, गेन करता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन वो खारिज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो जस्ब करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अगर इस वाले केस में आप कहेंगे तो आप बोलेंगे सोडियम की वैलेंसी वन है और क्लोरीन की वैलेंसी भी वन है। वन का मतलब वो अपना आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और वो एक इलेक्ट्रॉन जस्ब करता है। समझ में आ रही बात आप? अच्छा, अब इसकी वैलेंसी भी वन है और इसकी भी वैलेंसी वन है, तो ये कैसे पता चलेगा ये खारिज करना चाहता है और ये जस्ब करना चाहता है? तो ये प्लस माइनस से आप लगाते हैं। जो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उसकी वैलेंसी प्लस में होती है, सही। हालांकि खारिज क्या है, खारिज करने में तो माइनस होनी चाहिए, लेकिन असल में बात यह है कि जितने इसके पास प्रोटॉन हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, ग्यारह ही हैं, तो ये न्यूट्रल है, बैलेंस हुए में सब। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दें, यहाँ से भगा दें, तो ये सब तो बैलेंस होंगे, लेकिन ये जो एक प्रोटॉन है ये बैलेंस, तो पीछे जो रह गया है वो सोडियम नहीं रह गया, वो सोडियम प्लस वन बन गया है। प्लस वन किस बात को शो कर रहा है कि इसका एक प्रोटॉन बैलेंस, तो इसकी वजह से इसकी वैलेंसी प्लस वन है। यानी स्टेबिलिटी के बाद एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, अगर प्लस वन है तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी प्लस वन है, और अगर माइनस वन है तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी माइनस वन है। जैसे यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बनाऊँ 17 इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये 17, इन सब के साथ क्या है, प्रोटॉन है, ये सब बैलेंस है, ये सब बैलेंस है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये तो बैलेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन पर एक चार्ज आ गया माइनस का, तो ये माइनस वन है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी, माइनस वन। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं उनकी वैलेंसी प्लस में होती है, क्योंकि पीछे रह जाने वाला रेडिकल प्लस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, उनकी वैलेंसी माइनस होती है, क्योंकि उनके पास एक माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो वैलेंसी क्या होती है, एटम स्टेबिलिटी की खातिर जितने इलेक्ट्रॉन खारिज या गेन करता है उनकी तादाद उस एटम की वैलेंसी कहलाती है। ऐसे डेफिनेशन करेंगे, वैलेंसी क्या है, एटम स्टेबिलिटी के खातिर जब इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या गेन करता है, सही। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो खारिज करता है या गेन करता है उसकी तादाद उस एटम की वैलेंसी कहलाती है। अगर वो खारिज करेगा तो उसकी वैलेंसी प्लस कहलाएगी, और अगर वो जस्ब करेगा तो उसकी वैलेंसी माइनस कहलाएगी। ये बात आपकी समझ में आ गई? अच्छा, जब एटम इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है और इस फॉर्म में आ जाता है, तो अब फिर इस एटम को आप एटम नहीं कह सकते, इस एटम को आप कहेंगे आयन। ये बन गया पॉजिटिव आयन, इसको रेडिकल भी कह सकते हैं, पॉजिटिव रेडिकल हो गया अभी ये। इसी तरह जब एटम इलेक्ट्रॉन जस्ब कर लेता है तो फिर वो एटम नहीं रहता। एटम कब तक रहता है, जब तक न्यूट्रल हो, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब तक बराबर होंगे जब तक वो एटम होगा। जैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गए अब वो एटम नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, आयन। या तो पॉजिटिव आयन बोलेंगे उसे या नेगेटिव आयन, ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव, प्लस लिख के ये लिखते हैं पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन।
या आप कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, समझ में आ रही बात आपको? तो एटम अपनी स्टेबिलिटी की खातिर या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं या इलेक्ट्रॉन जस्ट करते हैं। स्टेबिलिटी आपको अंदाजा हो गया, वो चाहते हैं कि उनके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये बात हमें कैसे पता चली वो चाहते हैं? हमने को उनका जाके दिल पड़ा है, वो हमें कैसे पता चला वो चाहते हैं? असल में हमने कंपाउंड्स देखे ना, तो हमने देखा है कि एटम जब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 ना हो जाए, जैसे ही 8 हो जाएंगे रिएक्शन छोड़ देगा, फिर नहीं करेगा किसी से रिएक्शन। इससे हमें अंदाजा हुआ कि भाई एटम ये चाहता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब हम कुछ वैलेंसीज लिखेंगे आप अपने पास कॉपी में, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा आप उसको कॉपी करेंगे, ठीक है? उसके अंदर जो है वो पहले मैं लिखूंगा सारी प्लस वैलेंसीज वाले एलिमेंट, ठीक है, और उनके नाम, और फिर माइनस वन वाली माइनस वाली वैलेंसीज और उनके नाम। इसको रोकें, हम सबसे पहले वो एलिमेंट लिख रहे हैं जिसमें जिनकी वैलेंसी प्लस वन होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आपके पास जो है वो लिथियम है, लिथियम, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप बाद में सही कर लीजिएगा, लिथियम है। लिथियम के बाद आपके पास सोडियम है, सबकी वैलेंसी प्लस वन होती है। सोडियम के बाद पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम के बाद आपके पास अमोनियम है, उसका रेडिकल पूरा ऐसे बनेगा NH4, और इस पर लगेगा प्लस वन, इसको बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम है, क्यूप्रस है, सी और यू प्लस वन वैलेंसी, क्यूप्रस। क्यूप्रस सिल्वर है, ठीक है, नाइट्रेट है, नहीं ये माइनस में है, सॉरी, बस ठीक है। ये कौन से हो गए? प्लस वन वाले। अब हम लिखेंगे प्लस टू वाले,
यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, कौन से वाले? प्लस टू वाले। प्लस टू में आपके पास बेरिलियम है, बेरियम है, क्यूपरिक है। कॉपर में प्लस टू वैलेंसी होगी तो उसको बोलेंगे क्यूपरिक। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये मिटाऊं, ये वाला प्लस वन वाला। ठीक है जी, मैग्नीशियम के बाद मर्क्यूरिक है, एचजी प्लस टू, एच जी मरकरी का फार्मूला है, अगर इसकी वैलेंसी प्लस टू हो तो मर्क्यूरिक होगा। अच्छा, प्लस वन में मर्क्यूरस भी डाल लें, प्लस वन में एच जी प्लस वन लिख के सामने मर्क्यूरस लिख लें। लिख लिया आप सबने? हाँ, मर्क्यूरस प्लस वन में। उसके बाद प्लस टू में लेड है, पीबी प्लस टू लेड। और उसके बाद निकल है, ये मर्क्यूरस लिख लिया आपने प्लस वन में, ये मिटा दे रहा हूं मैं। सिल्वर की वैलेंसी अगर प्लस टू होगी तो इसे आर्जेंटिक कहेंगे। आर्जेंटिक, ठीक है। अगर लोहे की वैलेंसी प्लस टू है तो उसे फेरस कहेंगे। फेरस, मैंगनीज, बकरी वाली नहीं है ये। मैंगनीज, और जिंक प्लस वाले बहुत हो गए। जिंक,
ठीक है। एक और है स्टेनस, स्टेनस गुड ओके। अब हम आ गए प्लस थ्री पे। ये मिटाऊं, ये वाले हम आ गए प्लस थ्री पे, जिनकी वैलेंसी प्लस थ्री होती है। इसमें सबसे पहले आपको रखना चाहिए बोरोन, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ठीक है, उसके बाद बिस्मिथ, बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद क्रोमियम, ये आप रफ नहीं लिखना, बता रहा हूं मैं आपको, ये मुझे बिल्कुल फेयर चाहिए आपकी कॉपी के अंदर, क्योंकि मुझे इसकी बुनियाद पर काम कराना है बहुत सारा। ये इस तरह नहीं चलेगा, आपकी जो केमिस्ट्री की कॉपी है उसमें बाज़ाब्ता आप कॉलम बनाएंगे, प्लस वन के लिखेंगे, प्लस टू के लिखेंगे, प्लस थ्री के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर मुझे काम कराना है अगला। ये नहीं आप रफ में ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ था वो, नहीं, फिर मैं आपकी एक जगह पर ये फिक्स होना चाहिए, और इसको बहुत सफाई से, बहुत सलीके से आप लिखेंगे। लिखने के बाद चाहें तो जो टेप होता है ना, क्रिस्टल टेप, वो चिपका दें उसके ऊपर, क्योंकि बार बार यूज होगा ना तो खराब ना हो जाए भूल के, सही है, इसको महफूज बनाना आपको। चलें आगे, क्रोमियम, क्रोमियम ये हम पढ़ रहे हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, प्लस थ्री होती है। और फेरिक, अगर लोहा तीन की वैलेंसी जाहिर कर रहा हो तो उसे आप कहेंगे फेरिक। एल्युमिनियम में आ गया, फेरिक आ गया, गुड, जबरदस्त हो गया। अब हम वैलेंसी पढ़ रहे हैं जिनकी वैलेंसी चार होती है, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी प्लस फोर होती है। इसमें सबसे पहले है कार्बन, और अगर लेड की वैलेंसी प्लस थ्री आ जाए, फोर आ जाए, तो इसको कहते हैं प्लम्बमिक, प्लम्बिक, प्लम्बिक। प्लाटेनिक, पीटी प्लस फोर, प्लाटेनिक,
प्लाटेनिक चाक है और चाक, ठीक है। और SN प्लस 4 स्टेनिक, हाँ वो स्टेनस था, इससे पहले आए स्टेनस। ये होगा आपके चार वैलेंसीज, प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। अब हम माइनस में आ गए, प्लस 4 हो गया ना। अब वो वैलेंसी जो किस में है, माइनस में होती है। मिटाऊं, ये दूसरा पेज आपको यूज करना है, इससे हटकर की वैलेंसीज अलग लिखनी है और प्लस की वैलेंसीज अलग लिखनी है। इसको ऑफ करें।